फाइल्स की तकलीफ के लिए नंबर वन सॉल्यूशन अर्शवेदा, जो कि बना है 9 विशेष जड़ी बूटी से। 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, 2 दिन में मिलेगा आराम। अर्शवेदा अवेलेबल है आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। 3 महीने जेल में गुजारने के बाद जमानत पर बाहर आए शिवसेना के सांसद संजय राउत, समर्थकों ने आतिशबाजी कर किया स्वागत। मैं अहद गिरफ्कर, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत, जो अपने बेबाक भाषणों के लिए जाने जाते हैं, ये पिछले 3 महीने से मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैद थे। संजय राउत को ईडी ने मुंबई के पात्रा चावल घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था, परंतु आज मुंबई की एक विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की तरफ से दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। अदालत ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने शुक्रवार तक जमानत नहीं देने का आग्रह किया था। संजय राउत को जमानत मिलने के बाद ईडी की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें संजय राउत की जमानत पर स्टे देने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट में जाने तक समय दिया जाए, साथ ही तब तक संजय राउत को बेल न मिले। इस याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए बेल पर स्टे लगाने से मना कर दिया। बेल मिलने के बाद संजय राउत ने जज का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। जेल के बाहर शिवसेना के काफी सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। संजय राउत के बाहर आने पर उन्होंने धूमधाम से उनका स्वागत किया। उनके समर्थन में नारेबाजी भी की गई, यहां तक कि आतिशबाजी भी की गई। Thank you.